सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों आप सभी को मेरी बहुत बहुत राम 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 राम। इसके साथ ही मैं सर दीन बंधु छोटू राम जी की जन्मस्थली को भी नमन करती हूँ। आप सबको क्या पता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो मेरे पति हैं वो हरियाणा के ही लाल हैं। 1994 में जब हमारी शादी हुई तो अरविंद जी का परिवार हिसार में रहता था, बहुत ही साधारण परिवार। उनके पिताजी वहां नौकरी करते थे। अरविंद जी का जन्म हुआ सिवानी गांव में, लेकिन उनकी परवरिश पाल शिक्षा सब कुछ हिसार में हुई। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ये 20 साल बाद ये लड़का जाकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाएगा। ये कोई मामूली बात नहीं है, किसी चमत्कार से कम नहीं है ये। अरविंद जी का जन्म 16 अगस्त 1968 में हुआ। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी, यानी भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन था। ये महज इत्तफाक नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत बार सोचती हूं, मुझे लगता है कि जरूर भगवान जी अरविंद जी से कुछ करवाना चाह रहे हैं। वरना सोचिए, एक मामूली से गांव में पैदा हुआ लड़का, साधारण परिवार में पला हुआ, जाकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाता है। अरविंद जी जीरो से खड़े हुए हैं, खुद की पार्टी बनाई और फिर पहली बार में ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। है ना अचरज की बात। देश की पूरी राजनीति में भूचाल ला दिया। उन्होंने ऐसे ऐसे काम कर दिए जो कई पुरानी पार्टियां नहीं कर पाई, बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए। ऐसे काम किए जिससे पूरी देश में, दुनिया में उनका नाम हुआ। दिल्ली में, पंजाब में, जहां आपकी अब सरकार है, उन्होंने सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए, गरीबों के बच्चों का भविष्य अच्छा कर दिया, सरकारी अस्पताल अच्छे कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं जहां फ्री और बहुत अच्छा इलाज होता है, बिजली फ्री कर दी। पहले इतने सारे पावर कट लगते थे, घंटों घंटों बिजली नहीं आती थी, अब 24 घंटे बिजली आती है दिल्ली में, पंजाब में। महिलाओं को हर महीने, महिलाओं को अब हजार हजार रुपया देने की योजना है। आपके केजरीवाल ने बहुत सारे काम किए हैं। बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा का इंतजाम किया है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ऐसी कौन सी पार्टी है जिसने सरकारी स्कूल अच्छे किए हैं? है कोई पार्टी ऐसी? कौन सी और पार्टी है जिसने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, सरकारी इलाज अच्छा किया है? ऐसी और कौन सी पार्टी है जिसने बिजली फ्री की है? और कोई पार्टी नहीं है ना? कोई नहीं है। ये सभी काम सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है, आपका हरियाणा का लाल केजरीवाल। इसीलिए, इसी वजह से मोदी जी आपके बेटे से जलते हैं। उनसे ये सब काम नहीं होते, उनसे ना अस्पताल ठीक होते, ना स्कूल ठीक होते, ना बिजली ठीक से देने देते। इसीलिए उनके काम रोकने के लिए उनको जबरदस्ती एक फर्जी केस में फंसाकर जेल में डाल दिया। वो कहते हैं केजरीवाल चोर है। मैं कहती हूं मोदी जी, अगर केजरीवाल चोर है ना, तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। मोदी जी ने आपके बेटे को जेल में डाला है,
मोदी जी ने हरियाणा को ललकारा है कि जाओ मैंने आपके लाल को जेल में डाल दिया, जिसको जो करना है कर लो। आज मैं हरियाणा की बहू आपसे पूछती हूं, क्या आप ये सब चुपचाप सहेंगे? क्या आप इस अपमान को बर्दाश्त करेंगे? अरविंद जी, मोदी जी 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने, पूरे गुजरात ने उनका साथ दिया, सारी सीटें बीजेपी को दे दी। आप अपने बेटे का साथ देंगे? आपके बेटे ने पूरे हरियाणा में अपना, पूरे देश में, दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। मानते हैं ये बात, हरियाणा का नाम रोशन हुआ है पूरे देश दुनिया में, पूरी दुनिया में हुआ है। आपको इस अपमान का बदला लेना है। अभी 3 महीने में विधानसभा का चुनाव है, एक भी सीट बीजेपी को नहीं जानी चाहिए। आपको अपने बेटे अरविंद केजरीवाल को भारी बहुमत से जिताना है, जिताएंगे। ये बात अरविंद केजरीवाल की नहीं है, ये हरियाणा की इज्जत का सवाल है। सांपला में अभी भाई साहब ने भी बताया, सभी ने बताया, सरकारी स्कूल है एकदम बेकार, खस्ता हालत में। सरकारी अस्पताल में दवाइयां नहीं है, मशीनें नहीं है, डॉक्टर नहीं है। सांपला के लोगों को रोहतक जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है इलाज करने के लिए, और बिजली बहुत महंगी है, बहुत सारे पावर कट लगते हैं। आप सब जानते हैं, आप सब टैक्स देते हैं, जब आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो उस पर जीएसटी लगता है, टैक्स लगता है। आप टैक्स देते हैं, आपका अधिकार बनता है कि सरकार आपको मूल सुविधाएं दे, अच्छी शिक्षा, अच्छा इलाज, अच्छी सड़कें, पानी। 10 साल हो गए, भाजपा सरकार ने क्या दिया आपको? भाजपा सरकार को विकास से कुछ लेना देना नहीं है। आपका केजरीवाल आपके स्कूल ठीक करेंगे, अस्पताल ठीक करेंगे, बच्चों का भविष्य बनेगा। उन्होंने आपके लिए 5 गारंटी दी है। पहली गारंटी, दिल्ली और पंजाब की तरह घरेलू बिजली फ्री होगी, 24 घंटे बिजली मिलेगी। दूसरी गारंटी, हर गांव, हर शहर में मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे, सरकारी अस्पताल अच्छे होंगे, जहां फ्री और अच्छा इलाज होगा। तीसरी गारंटी, हर गांव, हर शहर में सरकारी स्कूलों को शानदार बनाया जाएगा, जहां बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी, गरीबों के बच्चों का भविष्य बढ़ेगा, अच्छा होगा। चौथी गारंटी, हर माताओं बहनों को हर महीने 1000-1000 रुपया मिलेगा, मिलना चाहिए, चाहिए आपको माताओं। और पांचवी गारंटी, हर बेरोजगार युवक को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा किसानों को, व्यापारियों को, खिलाड़ियों को, बुजुर्गों को, सभी वर्ग के लोगों के लिए, विकास और उनकी खुशहाली के लिए आपके बेटे ने ढेर सारी प्लानिंग की हुई है। आपके बेटे ने दिल्ली बदली है, पंजाब बदला है। आप पूछिए दिल्ली के, पंजाब के लोगों से, कितना सुधार हुआ है वहां।
अब आपको अपने बेटे को अपना ही घर ठीक करने की जिम्मेदारी देनी है। हम सब मिलकर एक नया हरियाणा बनाएंगे। मंजूर है? सबको मंजूर है? वोट देंगे झाड़ू को? जय हिंद।